अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के संगीन हालात के बावजूद, पाकिस्तान के बदहाल हालात के बावजूद, कुछ लोग अभी भी लाखों में कमा रहे हैं, कुछ लोग अभी भी खुशहाल हैं, और वो उनको हालात से कोई लेना देना नहीं। उनके लिए अभी भी वैसे ही दिन है जो पहले थे, जब पाकिस्तान एक अच्छी पटरी पे था। ये कौन लोग हैं और ये कैसे कर रहे हैं, इनका काम क्या है, इनका बाय प्रोफेशन क्या है, आज हम इस वीडियो में इसके बारे में बात कर रहे हैं। और मैं यही चाहूंगा कि आप, अगर हम भी उन लोगों को फॉलो करते हैं और उनकी तरह खुद को डेवलप करते हैं, तो हम भी उनकी तरह खुशहाल जिंदगी गुजार सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। और ये ना सिर्फ हमारे लिए फायदा होगा, बल्कि हमारी सोसाइटी, हमारे मुल्क के लिए बेहतर होगा। तो कौन लोग हैं ये तमाम फ्रीलांसर्स जो ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं, ये तमाम वो लोग जो यूट्यूब से कमा रहे हैं, ये तमाम वो लोग जो फाइवर से कमा रहे हैं, जो अपवर्क से कमा रहे हैं, जो अमेजोन से कमा रहे हैं, जो फेसबुक और बाकी अदर ऐप से कमा रहे हैं, जो ऑनलाइन अर्निंग का रिसोर्स है। क्योंकि उनको मुल्क के हालात के अप डाउन से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्होंने तो टोटल ऑनलाइन अर्निंग करनी है और उनका काम ऑनलाइन रिलेटेड है। तो अगर हम खुद को इस तरह से अपडेट नहीं करते तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। तो अभी से, क्योंकि आने वाला दौर टोटल आईटी का है, फिजिकल वर्क खत्म हो रहा है, लोगों को रिप्लेसमेंट की जा रही है आईटी वर्क के थ्रू। जहां 10 लोग काम करते थे, अब वहां पे एक या दो बंदे की जरूरत रह गई है। तो अगर हम खुद को अभी से अपग्रेड नहीं करेंगे तो आगे आने वाला दौर हमारे लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। क्योंकि मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है, जॉब्स खत्म हो रही हैं, कोई मौके नहीं है, डिग्री होने के बावजूद लोग दर बदर फिर रहे हैं, और एक MBA बंदा वेटर के तौर पर काम कर रहा है, एक इंजीनियर दर बदर ठोकरे खा रहा है। तो इंजीनियर की डिग्री, डॉक्टर की डिग्री या कोई भी डिग्री हो, वो कारामद नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जॉब्स के मौके नहीं है। 50,000 बंदे होते हैं, आगे 50 सीटें होती हैं, तो सोचिए 50,000 में से 49,950 लोग कहाँ गए जिनको जॉब नहीं मिली। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अपने आप को अगर हम आने वाले दौर के साथ अपग्रेड नहीं करते, ऑनलाइन वर्क के अपने स्किल्स को डेवलप नहीं करते, तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। फाइवर अच्छा प्लेटफॉर्म है, अपवर्क अच्छा प्लेटफॉर्म है, टिकटॉक आने वाले दौर में वो भी अर्निंग स्टार्ट कर रहा है। तो अगर हम उसमें अच्छा कंटेंट डालेंगे, Not type of songs, not type of other things, अच्छा content भी हम डाल सकते हैं। तो अगर हम YouTube पे काम करते हैं, अगर हम Facebook पे काम करते हैं, Facebook और Instagram की भी monetization on होने वाली है, तो अगर हम उन दोनों पे भी काम करते हैं, तो उनमें हम लाखों कमा सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा, आज की मेरी इस वीडियो का ये मकसद है कि खुद को हम अपग्रेड करें, अपनी स्किल्स को बढ़ाएं, अपनी abilities को बढ़ाएं, तब जाके हम आने वाले दौर का मुकाबला कर सकेंगे। अदरवाइज We will be at nowhere. हम कहीं पे भी नहीं होंगे, हमारा हम मुश्किल से जिंदगी बसर कर रहे होंगे। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। नासिर, वस्सलाम।